नमस्कार, आप देख रहे हैं साल 2022 का अखाड़ा और इस वक्त में उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूं। यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और इस वक्त मैं दिल्ली की चौखट पर खड़ा हूं, यानी नोएडा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से साल 2022 के अखाड़े की शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता नोएडा से होकर जाता है, गाजियाबाद से होकर जाता है और इसीलिए मैं बिल्कुल दिल्ली की चौखट पर हूं, या यूं कहिए कि मैं उत्तर प्रदेश की चौखट पर हूं और इसलिए हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीर आप दिखा रहा हूं मैं आपको, योगी आदित्यनाथ साहब इस वक्त बीच में हैं, अखिलेश यादव अपनी साइकिल पर हैं, प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही हैं, ओवैसी साहब लगातार ताबड़तोड़ मुस्लिम वोट बैंक के इलाकों को सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हैं लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ वो बढ़ रहे हैं और इसके अलावा मायावती जी बहुत दूर नजर आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच मैं लगातार ये जानने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, उनसे आपका मेहमान कराऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश का जो वोट युद्ध है वो किस तरफ जाता है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र दुबे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय वाली साहब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र चौधरी साहब हैं, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं और विनोद शर्मा जी बीएसपी से हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भूपेंद्र जादौन साहब हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से करना चाहूंगा। संजय वाली साहब, आप नोएडा से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली की चौखट पर हैं, दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं, चाहे मैं नोएडा की बात करूं, दादरी की बात करूं या फिर मैं जेवर की बात करूं, तीनों ही जगह पर आपकी पार्टी के इस वक्त विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त की जो लड़ाई है वो तीनों सीटें आप बचा पाएंगे? पहले तो आपने बता दिया कि उत्तर प्रदेश का रास्ता गौतम बुद्ध नगर नोएडा से निकलता है, अब की बार भी वो रास्ता वहीं से ही जा रहा है। सबको साफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर विधायक हैं हमारे तीनों, नोएडा दादरी जेवर, वो लखनऊ में पहुंच जाएंगे और उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं रुकावट आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पहले भी सबको पछाड़ा है, आगे भी पछाड़ देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा बैरिकेड लगा दिए हैं, आज तक तो जीते नहीं नोएडा की सीट, तीन तीन बार से हारे हुए, कैसे जीत जाएंगे? वो यहाँ था पहले दादरी में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले जीतती रही, बीच में एक बार हारी फिर दोबारा जीत गए। तो इसीलिए तो कह रहे हैं हमारे रास्ते में कोई ब्रेकर नहीं है, लेकिन ब्रेकर उनके लिए है जिनके लिए रास्ता नहीं बना। वाली साहब, हमने रास्ता यहाँ से लेकर लखनऊ तक का इतना बढ़िया बना दिया, वाराणसी तक और पूरे उत्तर प्रदेश का, उसमें जाने का कोई जरूरत नहीं। आप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि हमारी पार्टी यहाँ नहीं जीती, लेकिन मैं पूछना ये भी चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कर करके क्या इनका रोड बिल्कुल सीधा जहाँ जाएंगे यहाँ से, बाद में बोल लेना, यहाँ से लेकर के जो रास्ता आगरा तक गया और आगरा से जो लखनऊ गया वो हमारे ही बनवाया हुआ दूसरी पार्टियों का, इनका तो कुछ है ही नहीं, इनका तो रास्ता ही इन्होंने नहीं बनाया, ये तो भटकी हुई पार्टी है। यहाँ पर हम अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में विकास करने का काम, अगर एक काम ये बता दें, कोई प्रोजेक्ट बता दें जिसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो, एक काम, अगर एक काम नहीं गिनवा देते हैं समझ लो ये नाकारा पार्टी। और अब की बार समाजवादी पार्टी ऐसे नाकारा लोगों को हटाने जा रही है और निश्चित रूप से अपनी पार्टी से बीजेपी से पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। अब हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा, अब युवा चाहता है कि विकास हो और विकास के दम पर ही सत्ता में लोग काबिज होंगे। और इनसे पूछ लो, अभी ये बैठे हैं, इनसे ये पूछ लो, एक ही काम गिनवा दें, अब पूछ लो ना, एक काम गिनवा दे। मैं इनसे तो गिनवाऊंगा, आपको बीच में लाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी को भी ले लेते हैं क्योंकि मायावती जी तो यहीं से ताल्लुक रखती हैं। विनोद शर्मा जी, मायावती जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी, आपकी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी, मुझे याद है कि कल रामवीर उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया है, बाकी इतना दमखम आपकी पार्टी में क्यों नहीं है? सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहूंगा और आपको भी धन्यवाद कहूंगा कि आपने हमारी पार्टी को अपने चैनल पर स्थान दिया। थैंक यू। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो पिछले 5 साल के अंदर जनता और विधायक के बीच का जो एक संबंध होता है उसको तार तार किया गया है। किसी भी जनता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास विधायक जी का नंबर नहीं है, जबकि जनता की ये उम्मीद होती है
कि हमारा विधायक हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे अच्छे में, हमारे बुरे में हमारे साथ खड़ा हो। हमारी नेता यहाँ की लोकल है, बुलाते तो विधायक आपके पास भी पहुंचता, आपने कभी बुलाया नहीं। हमारे नुमाइंदे हमें आपने बुलाना चाहिए था ना विधायक को, और हमारी पार्टी आप बुलाते विधायक आता भी हमारी जनता के बीच का प्रत्याशी चुन के भेजा है, सबके बीच में रहता है, सबके साथ रहता है। धन्यवाद करूंगा। रही बात विकास की, तो बहन जी ने जो विकास नोएडा को दिया है, आज जो आपको यहाँ पे रफ्तार दिख रहा है, आपके सामने जो हाईवे दिख रहा है नोएडा से लेके आगरा तक, वो बहन जी ने दिया है। सबसे पहला महामाया फ्लाईओवर माननीय बहन जी की देन है। सबसे पहली मेट्रो लाइन नोएडा को बहन जी ने दी है। सबसे ज्यादा शिक्षा के काम, सबसे ज्यादा अस्पताल, सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में दिया है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने, और बहन जी की सरकार ने, और बहुजन समाज पार्टी सरकार ने। तो योगी जी ने क्या दिया उत्तर प्रदेश को या नोएडा को? योगी जी ने उत्तर प्रदेश नोएडा को, इन्होंने कहा एक्सप्रेसवे सब कुछ इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने दिया, पहले यही फैसला कर ले कि दोनों में से किसी ने कुछ दिया। इन्होंने दिया, इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया, इन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार दिया, इन्होंने दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। नोएडा में अरबों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया खा गए, इनके रहते हुए अधिकारी जेल में गए, ज्यादा सी इनका और इनका अधिकारी था जेल में गया। ठीक है, ठीक है, 50 करोड़ के घोटाले किए इन्होंने।